विजयदशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाले गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर एसपी सिटी ने गोरखनाथ मंदिर से ड्रोन उड़ाकर शोभा यात्रा से निकलने वाले रास्तों और आसपास के क्षेत्रों का निगरानी व निरीक्षण किया। प्रत्येक वर्ष गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक निकलने वाली शोभा यात्रा में विजयदशमी पर्व पर प्रत्येक वर्ष परंपरागत तरीके से गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा जुलूस में शामिल होते हैं। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग भी शामिल होते हैं। इस दिन का लोग बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 4 अक्टूबर को निकलने वाली शोभा यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए गोरखनाथ मंदिर से ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया है और आसपास मकान के छत के ऊपर रखे ईंट पत्थरों की निगरानी भी किया गया तथा साथ ही साथ किसी प्रकार का स्लीपर सेल के अटैक को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ में एसएसबी, आरपीएफ, पीएससी एवं जनपद पुलिस द्वारा मुस्तैद रहकर 4 अक्टूबर को परंपरागत रूप से निकलने वाले जुलूस को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार का अवैध ड्रोन उड़ता है तो उसे मारकर गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर रामलीला मैदान की दूरी 2.7 किलोमीटर की है और इन रूट पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो दिन और रात में भी कवर करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, क्लैरिटी नहीं आ रही, क्या कारण? अंधेरा हो गया सर, अंधेरा हो गया अभी। जनपद गोरखपुर में 4 अक्टूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परंपरागत रूप से विजयदशमी का जो जुलूस निकाला जाता है वो निकाला जाएगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए पिछले कई दिनों से गोरखपुर पुलिस सुरक्षा के इंजाम करने में जुटी हुई है। हमने करीबन 252 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की है जिनकी रूफ टॉप्स पर आज ड्रोन उड़ा के वेरीफाई किया गया कि उनकी छतों पर कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स नहीं है।
एवं उसके साथ साथ वहाँ पे बड़ी पैर के तौर पर, ताकि किसी प्रकार का कोई स्नाइपर या इस प्रकार का किसी प्रकार का अटैक हो उसको रूल आउट किया जा सके, उसके लिए बड़ी पैर में ड्यूटीज डिप्लॉय की जाएगी। उसके साथ साथ RAF, SSB, PSC एवं जनपद पुलिस द्वारा मुस्तैद रहकर 4 अक्टूबर को परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले जुलूस को अच्छे तरीके से प्रोसेशन को निकाला जाएगा, एवं मानसरोवर पर होने वाली रामलीला एवं उसके साथ साथ पूरा जो जुलूस का रूट है उस पूरे रूट पर सुरक्षा मुस्तैद कर ये जुलूस। इसमें कह सकते हैं आप नब से जमीन तक जिस प्रकार की जितने भी पॉसिबल थ्रेट्स हैं उन सब थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, और उन सब थ्रेट्स का जो काउंटर सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो सारे डिप्लॉय किए गए हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटी ड्रोन सिस्टम, कि किसी प्रकार का कोई ड्रोन जो वेरीफाइड नहीं है अगर वो उड़ रहा है तो उसको गिरा दिया जाएगा। उसके साथ साथ स्नाइपर्स जो होते हैं वो कहीं दूर 2-3 किलोमीटर दूर गए, तो हमने भी बिल्कुल मंदिर से जो जो विजुअल रेंज में जितनी भी रूफ टॉप्स हैं उन सब के ऊपर ड्यूटी लगाएंगे हम उस दिन। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त का जो कार्यक्रम होता है वो एक खुले में काफ़ी समय तक माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जुलूस है वो एक ओपन गाड़ी में होता है उसी को देखते हुए सारे सुरक्षा के इंजाम पुख्ता इंजाम है वो किए जा रहे हैं। ये करीबन 2.7 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ऑन फुट फोर्स कवर करेगी, और इस सारे जो रूट है उस रूट के ऊपर CCTV कैमराज लगाए गए हैं जो हाई डेफिनेशन वो दिन और रात को भी कवर करेंगे। उसके साथ साथ वहाँ पे पुलिस द्वारा स्वयं का ड्रोन भी उड़ाया जाएगा, और उसी एट द सेम टाइम हम इंश्योर करेंगे कि जितनी भी ये सुरक्षा की लेयर्स हैं जिसमें NSG, CM सिक्योरिटी, उसके साथ साथ जनपद पुलिस, RAF, SSP ये सब लोग मौजूद रहेंगे, तमाम प्रकार की सुरक्षाएँ अंजाम किए। थैंक यू।